बहुत से प्रयोग हैं। पहले बेटों हमें बच्चों जानना पड़े कि किस वजह से किस कारण से बात नहीं बन पा रही। कभी कभी आज के युग में कितने सालों से हम इकट्ठे जीवन गुजार रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, और माँ बाप भी कहते हैं बच्चे की शादी नहीं हुई, बच्चा भी कहता है मेरी शादी नहीं हुई, मैं सोच रहा हूँ कहाँ करूँ शादी। जब हम मन से सिंसियर नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं शादी का मतलब, तो मुझे लगता है कि विवाह का मीनिंग जितना अच्छा भारतीय संस्कृति में है, हमारे भारत के फैमिली स्ट्रक्चर में है और कहीं नहीं है। थोड़ा सा बच्चों इधर से आपको निकल के आना होगा, इस चीज़ से आपको वापस आना होगा। विवाह आपके लिए, सबके लिए एक सामाजिक नियमों का पालन है, एक परिवारों को आगे बढ़ाने का साधन, वंश को आगे बढ़ाने का साधन, कुल परंपराओं को आगे बढ़ाने का साधन। और जो हमारी विरासत है, चाहे वो ज्ञान की विरासत हो, साइंस की विरासत हो, आध्यात्मिक विरासत हो, या फिर जो आपने जो पूंजी सब बनाई, जो वस्तुएं इजाद की, वो मेडिकल हो चाहे कुछ और हो, अच्छे लोगों को सौंपना, अच्छे हाथों में देना, वो गृहस्थ जीवन की ड्यूटी है कि भगवान की जो ड्यूटीज हैं उनको अच्छे हाथों में सौंप के फिर उस तक चले जाना। जब ऐसा आप सोच लेंगे तो आपको जल्दी जीवन साथी मिल जाएगा, और जीवन साथी थोड़ा सा जमीन पर आके ढूंढें। आप थोड़ा ऊंचाई में उड़ के ढूंढते हैं, अप्सराओं की बात सोचते हैं, तो आपके साथ नहीं रह पाएंगी, उनके लिए भी फरिश्ते चाहिए, उनको भी, वो आपके लिए नहीं आएंगी। पर कभी कभी बच्चे चाहते हैं कि मैं ऐसे शादी कर लूँ, टाइम निकल जाता है, कभी कभी स्तंभन की बात है, कहीं कहीं ग्रह की बात है, कहीं कहीं हमारे विचारों की बात है, हमारी सोच की बात है। अगर सोच सही है, विचार सही है, तो फिर बहुत से उपाय हैं जिनको करने से आपकी शादी में जो विलंब हो रहा है वो ठीक हो सकता है। उसके लिए स्फटिक का शिवलिंग घर में रखना, जिसको क्रिस्टल कहते हैं, उसके ऊपर रोज प्रतिदिन पूजा करना। बिलपत्र मिल जाएं तो 3 बिलपत्र ले लें, उनके ऊपर सफ़ेद चंदन से एक के ऊपर ओम लिखें, 3 पत्ते होते हैं बिलपत्र के आप जानते हैं, दूसरे के ऊपर ने मैं लिखें, तीसरे के ऊपर शिवाय लिखें, और स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर 11 बिलपत्र भगवान को प्रणाम करते हुए कम से कम 40 दिन तक उनको अर्पण करें। और साथ में अगर आप मंडे के फास्ट कर सकते हैं तो मंडे के फास्ट करें। अपना जो आपका बेडरूम है उसमें कैंडल्स जलाएं, कोशिश करें कि क्रिस्टल की कोई मूर्ति रखें, कोई पिरामिड रखें, ब्लैक कलर का प्रयोग बेडरूम में ना हो, जिससे थोड़ा सा एक वातावरण बनेगा कि जो आपके जीवन का साथी है वो मिल जाए आपको। साथ में कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करें, माता पिता अगर बच्चों के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो माता पिता इसी ढंग से करें। और वो मंत्र फिर आपको करना ही पड़ेगा जो मैंने पहले बताया था, माँ दुर्गा जी का मंत्र, माँ भगवती काली मिर्च, काली मिर्च, उस मंत्र को किए बिना गुजारा नहीं है। अगर आपके ऊपर तंत्र का असर हुआ है, स्तंभन का नहीं हुआ, तो उसके करने की जरूरत नहीं है। और साथ में आप अपनी जन्म कुंडली तो देखें ही, वर्ष कुंडली से सहारा लें कि क्या इस वर्ष में संभव है शादी, जहाँ पिछले जो साल चले गए उनमें संभव थी, क्या हुआ। तो वहाँ पे जैसे शुक्र आपके लिए पत्नी है, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने वाले स्टोन्स पहने, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायमंड स्टोन होता है, तो डायमंड कभी कभी ऐसे स्टार की डिग्री बनी होती है कि 5 कैरेट पहनना चाहिए, 4 कैरेट पहनना चाहिए, तो बहुत महंगा हो जाता है। फिर हम सुन लेते हैं कभी पहन नहीं पाते, कुछ लोग पहन पाते हैं, तो उसकी जगह पे दोस्तों
एक टूरमेलिन स्टोन होता है, विक्रांत मणि भी उसको कहते हैं, वैदर्या मणि कहते हैं उसको, तो उसको पहन सकते हैं, ओपल का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में ये मैं आपको एक मंत्र माता जी का बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करें और कम से कम 108 दिन तक जाप करना है। तो ये भी श्री दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है, उन 700 श्लोकों में से एक मंत्र है कि हे माँ, मुझे जो पत्नी है मुझे मेरी इच्छा के मुताबिक जैसी मैं चाहता हूँ वो अच्छी पत्नी दो, मुझे सुंदर पत्नी दो, ऐसी पत्नी दो तो मेरा जीवन भर साथ निभाए, अच्छा साथ निभाए। तो ऐसा इस प्रयोग से देखा है कि 108 दिन के अंदर अंदर आप अपनी शादी तक पहुँचने लगते हैं। पर इसमें अगर आप कन्फ्यूज हैं तो फिर उस मंत्र का जाप ना करें। कभी कभी हम चाहते हैं कि जो हमारे जीवन में लड़की है इससे शादी करना चाहते हैं, साथ में माता जी को भी प्रार्थना करते हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो मनचाही लड़की से शादी करने के लिए दूसरे उपाय हैं, वो क्षमा चाहूँगा नहीं बता पाऊँगा, पर ये जो है सबके लिए है। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभा। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभा।